जय श्री राम। मित्रों, प्रभु श्री राम का विश्व रूप। मित्रों, साधारणतः प्रभु श्री कृष्ण के ही विश्व रूप की चर्चा होती है, प्रभु श्री राम के विश्व रूप की चर्चा कहीं नहीं होती। भक्त तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अपने आराध्य प्रभु श्री राम के विश्व रूप की चर्चा की है। लंका कांड के अंतर्गत लंकेश रावण की भार्या मंदोदरी ने भगवान श्री राम के विश्व रूप का वर्णन किया है। यहाँ यह विचारणीय विषय है कि श्री हनुमान जी और श्री विभीषण जी के रहते हुए मंदोदरी से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के विश्व रूप का वर्णन क्यों करवाया है, आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। मित्रों, सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी विप्र रूप धारण कर श्री राम लक्ष्मण के पास पहुंचे और जाकर कहा, को तुम रामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बनवीरा। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में घूम रहे हैं? हनुमान जी तुरंत अपने आराध्य प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पाए। इसका कारण बताते हुए हनुमान जी कहते हैं, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने प्रभु आपको नहीं पहचाना। विभीषण जी तो लंका में रावण के साथ ही रहते हैं, जब रावण ने उन्हें लात मारी तब वे रावण को छोड़कर श्री राम से मिलने पहुंचे और उनकी शरण में गए। यदि रावण ने लात नहीं मारी होती तो कुंभकर्ण के भांति ही रावण की नीतियों का विरोध करते हुए विभीषण भी अंत तक लंकापति रावण का ही साथ देते। लेकिन मंदोदरी की बात ही कुछ अलग है। वह रावण की पत्नी होने के कारण रावण के साथ रहने के लिए विवश है। ऐसी व्यवस्था विभीषण को नहीं थी। अर्धांगिनी होते हुए तथा अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए मंदोदरी बार बार रावण को श्री राम की प्रभुता के बारे में बताती हैं। इसके पूर्व भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए रावण को चेतावनी भी दी थी कि यदि प्रभु से बैर करोगे तो विश्व में आपको कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। लंका में हनुमान जी तथा लंका दूत शुक के मुख से प्रभु श्री राम की महिमा मंदोदरी ने सुनी थी, अतः मंदोदरी प्रभु श्री राम के विश्व रूप का वर्णन रावण से करती हैं। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। अर्थात मेरे इस वचन पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्व रूप हैं। मतलब यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में अनेक लोकों की कल्पना करते हैं, पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेश हैं, दसों दिशाएं कान हैं, वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है, माया हसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, सभी वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल हैं, समुद्र उदर है, इस प्रकार प्रभु विस्मय हैं। अस विचार सुनु प्राणपति प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। इस तरह मंदोदरी रावण से प्रभु श्री राम का विश्व रूप का वर्णन करती हैं। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए।
कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए प्रसंग के साथ, नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।